बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं, जो कि ये एक लाइट है, किसी भी लाइसेंस प्लेट के ऊपर लगती है और हम इसको आज लगाएंगे फैबर के ट्रंक के अंदर, ताकि रात को जब हम डिग्गी खोलें तो थोड़ी बहुत लाइट मिल सके, ताकि हम अपने सामान को ईजी एक्सेस कर सकें। इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। लगेगी तो ये अल्ट्रेशन होगी ही, अब ये देखना है कि ये कैसे लगती है। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक अदद लाइट, दो अदद ये हॉर्न के क्लिप्स या किसी भी होल्डर के क्लिप्स के अंदर, ये आपको बाज़ार से मिल जाएगी आराम से, और थोड़ी सी तार। मैं आपको बताता हूँ ये आगे कैसे लगानी है। सबसे पहले ये सीट क्लच ऊपर खींचना है और ये सीट ऐसे चल जाएगी पीछे, और फिर ये हम यहाँ लगाना चाह रहे हैं लाइट, और ये दो बोल्ट खोलने हैं। ब्रैकेट आ गई बाहर, और अब इस ये जो मेन प्लास्टिक का पैनल है इसको उतारना है। इसको मैं रिमूव कर लूँ तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अभी जो ये इसके पीछे एक गैसकेट है, इसका ना टेम्पलेट हम लेंगे। अब वो मैं देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे ले, ये जो रबड़ की पैकिंग है ना, ये हमारा टेम्पलेट है, ये हमारा टेम्पलेट का काम करेगा। अब देखना ये है कि ये यहाँ पे लगेगी या इस जगह पे, क्योंकि जितनी हाइट इसकी ऊपर होनी है लाइट उतनी ही ट्रक में अच्छी आएगी। तो अब इसका जुगाड़ करते हैं। ये काम एक हाथ से हो नहीं रहा था, और ट्राईपॉड मेरे पास है नहीं, और पत लाइफस्टाइल थोड़ा सा, तो ये कुछ ऐसी फिटमेंट आई है इसकी। अब ये सोच रहे हैं कि इसके साथ एक बटन भी होना चाहिए। बटन मैं आपको दिखाते चलूँ तो ये वाला, ये बटन इधर फिट आ जाएगा। इसके लिए होल कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैनल इसके मिलते नहीं हैं और ये इसके जेन्युइन है, तो ये ख़राब करना भी मुनासिब नहीं है। तो मजीद फिटिंग करके तो मैं आपको बता दूँ। ये कुछ इस तरह की वायरिंग बनी है इसकी। ये एक आ जाएगी ग्राउंड, और ये आप देख रहे हैं ये मैंने लगाया है स्विच, ये स्विच सीरीज़ में इसको मैंने लगाया है स्विच, और जो पॉजिटिव लाइन है उसी को सीरीज़ में स्विच लगा के, और ये जो अब आपका दिल करता है बैटरी सोर्स दे दें, डायरेक्ट बैटरी के साथ कर दें, क्योंकि बंद तो उसने यहाँ से हो जाना है, और या किसी और चीज़ में डाल दें, या डायरेक्ट फ्यूज़ बॉक्स की लाइन में डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। तो जो फाइनल लुक आएगी तो वो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। हाय 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 हाय। अब गाइस मैंने ये फिटिंग कर ली है, ये मैंने इसको यहाँ से दिया है, डेनोन जो ग्राउंड जा रही होती है वहाँ से, और जो पॉजिटिव जा रही है पीछे से इसके आप देख रहे हैं वो नीचे, वो मैंने आगे फ्यूज़ बॉक्स में या सेंट्रल लॉकिंग की जो होती है, हाँ ये कर लो, सेंट्रल लॉकिंग की जो मेरी डब्बी है उसमें तार आ रही है, अच्छा मैंने फ्यूज़ के साथ लगा दिया। अभी बाकी फिटिंग बस इसकी बंद होगी तो ये डन हो जाएगा। ये जो लाइट मैं कह रहा था ना कि यहाँ लगाएंगे, असल में ये जो ये स्पेसर है ना ये नहीं आता, ये तकरीबन लकड़ी का वो स्पीकर जो बट्टा होता है वो लगाने के लिए यूज़ होता है, अगर मैं ऊपर लगा देता तो ये नहीं लग सकता था अच्छा। और तो ये कुछ फाइनल लुक निकल कर आई है।
ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।